एकता समाज सेवा समिति ने जरूरतमंदों को बांटे लोहा। बरेली, एकता समाज सेवा समिति की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन स्वाले नगर गैलेक्सी पैलेस से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी सिटी श्री रविंद्र कुमार, सीओ द्वितीय शाद मियां खान, इंस्पेक्टर किला चौकी इंचार्ज किला हाथों द्वारा 250 लिहाफों का वितरण किया गया। पहले गरीब जरूरतमंदों को एक एक पर्ची दी गई। 250 लोगों को जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों शामिल थे उन्हीं को एक एक लिहाफ दिया गया। कार्यक्रम में संरक्षक ज्ञानी काला सिंह, पाशा मियां नियाजी, डॉक्टर महेंद्र सिंह बसु, अश्विनी ओब्रॉय, कार्यक्रम अध्यक्ष मोहम्मद सलीम सुभानी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम हुआ है गरीबों के लिए, आज एकता समाज सेवा समिति के तत्वावधान में स्वाले नगर में इस रजाई वितरण का कार्यक्रम सलीम सुभानी और इनका टीम के द्वारा किया गया। पूर्व में भी इनके द्वारा कोरोना काल में इस तरीके का राहत कार्य किए गए हैं। मैं बरेली पुलिस टीम की तरफ से इनकी एकता सेवा समाज समिति को बधाई देता हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके कार्य करते रहेंगे ताकि जो भी जरूरतमंद है उनको इस तरीके का सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद जी। मेरा नाम सलीम सुभानी है जी, बरेली एकता समाज सेवा समिति। ये आज रजाई वितरण कार्यक्रम था हमारी कमेटी की ओर से, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए रजाई वितरित कार्यक्रम किया गया था। और कमेटी इसी तरह से पहले भी कार्य करती चली आई है और ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम रहता है और आगे भी जो है कमेटी इसी तरह से जनहित में कार्यक्रम करती रहेगी। कितने लोगों को यहाँ पर आज 100 लोगों को रजाई वितरित की गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से लगभग 200-250 लोगों को हम बांटेंगे। कोरोना की वजह से भीड़ ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा कर बांट रहे हैं अभी। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।